हाय गाइस, वेलकम टू आर्यांश क्लासेस. दिस इज प्रियंका. एंड सुबह जो हमने 12 प्रश्न किए थे आरआरबी एनटीपीसी 2019 के मॉक टेस्ट के लिए, अब उन्हीं 12 का आपका क्विज है. ठीक है, मैंने क्वेश्चंस काटे नहीं है ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें. तो सब्सक्राइब कर दीजिए आर्यांश क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए. देखिए, पहला प्रश्न हमारा था, किरण बेदी अपनी युवावस्था में निम्नलिखित में से किस खेल की राष्ट्रीय विजेता रही है? ए तैराकी, बी बास्केटबॉल, सी बैडमिंटन, डी टेनिस. 10 सेकंड का समय है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लीव करिएगा और अगर आप ना चाहें तो इट्स ओके. राइट आंसर है डी टेनिस. दूसरा है, मृदा संरक्षण उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं? ए वेदिका फार्म, बी मल्च बनाना, सी बीज की फसल उगाना, डी चट्टान बांध. राइट आंसर इज सी, बीज की फसल उगाना. तीसरा है, किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है? ए 21 जून, बी 5 अगस्त, सी 10 अगस्त, डी 15 फरवरी. सही जवाब है ए 21 जून. एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फूटने की उम्मीद नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? ए लावा, बी विलुप्त ज्वालामुखी, सी सिंडर कोन, डी मोरेन. गाइज, आई होप कि जो साउंड क्वालिटी का आप लोगों को इशू था वो अब सॉल्व हो गया होगा. प्लीज अगर आप व्यूवर हो, रेगुलर देखते हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा ये चीज. राइट आंसर है बी विलुप्त ज्वालामुखी. ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने जो लैपटॉप या अपने फोन में सुनती हूँ तो मेरे लिए ऑडियो क्वालिटी सही आती है, पर प्लीज आप अपना ओपिनियन एक बार दे दीजिए. देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी गुड्स कार्ड 6 सितंबर का एग्जाम 2009 में हुआ था, इससे लिया गया है. किसने सभी सिक्कों को एकजुट कर पंजाब में राज्य की स्थापना की? ए महाराणा रणजीत सिंह, बी गुरु नानक, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेज बहादुर. सही जवाब है ए महाराणा रणजीत सिंह. नेक्स्ट है, हड़प्पा के खंडरों को किसके द्वारा सबसे पहले देखा गया? ए डॉक्टर साहनी, बी एम व्हीलर, सी एम एस वत्स, डी चार्ल्स मेसन. राइट आंसर इज डी चार्ल्स मेसन. जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आयरीकरण किया वे थे? ए वशिष्ठ, बी अगस्त्य, सी यज्ञवालक्य और डी है विश्वामित्र. राइट आंसर इज डी अगस्त्य. नेक्स्ट देखिए, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे? ए अंग्रेजी प्रोत्साहन, बी सती निषेध, सी ये सभी और डी है संस्कृत शिक्षा. राइट आंसर है डी संस्कृत शिक्षा. गाइज, ये जो ऑप्शन है सी ये सभी, ये वैसे डी नंबर पे आता है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को स्पेस को हमने सी पे कर दिया है. तो आंसर है संस्कृत शिक्षा, मतलब राजा राम मोहन राय अंग्रेजी प्रोत्साहन के सपोर्ट में थे, सती निषेध के सपोर्ट में थे, वो संस्कृत शिक्षा से संबंध नहीं करते थे. नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ए स्मृति जुबिन ईरानी, बी सुरेश प्रभु, सी राजीव कुमार, डी नितिन गडकरी. राइट आंसर इज सी राजीव कुमार. मंत्रिपरिषद के प्रतिस्थापन के बाद दिल्ली की पहली विधानसभा कब गठित हुई? ए नवंबर 1994, बी नवंबर 1993, सी नवंबर 1991, डी नवंबर 1990.
राइट आंसर इज बी नवंबर 1993। भोपाल की विशाल झील का उत्खनन करने के लिए किसे जाना जाता है? ए परमार भोज, बी मिहिर भोज, सी मोहम्मद खिलजी, डी हर्षवर्धन। राइट आंसर इज ए परमार भोज। किस शासक ने आदिल शाही वंश के विरुद्ध विद्रोह किया था? ए बालाजी विश्वनाथ, बी शिवाजी, सी माघव राव, डी पेशवा बाजीराव फर्स्ट। राइट आंसर इज बी शिवाजी। गाइस प्लीज लाइक बटन पे क्लिक करिए अगर वीडियो पसंद आया, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय फॉर नाउ। कल मिलेंगे सुबह एक और क्विज के साथ, एक और प्रिपरेशन के साथ, शाम को क्विज के साथ। थैंक यू, बाय।